फंसा हुआ आदमी है उनको बाहर लाने का, क्योंकि जो रिस्क्यू का वन बाई वन जो सेटिंग है वो हम यहाँ करके दिखाते हैं कि आदमी गिर गया है, ऊपर गिरा है या बेसमेंट में गिरा है, ऊपर लाना। उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में हम हमारा प्रोफेशनल डेमोस्ट्रेशन करेंगे, वो आपको देख के फिर हम कंक्लूडिंग करेंगे। ओके प्लीज, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि हम पता है कि इमरजेंसी किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। कोई नहीं बोल सकता कि आज मेरे साथ इमरजेंसी नहीं हो सकती, मगर अगर उसको सही नॉलेज हो तो वो कोई भी इमरजेंसी से क्या कर सकता है, फाइटिंग कर सकता है। तो सर ने आज हमें क्या सिखाया, फाइटिंग करना, आग लगती तो कैसे लगती है, कितने बड़ा है। हमारी टीम रेस्क्यू इमरजेंसी टीम है, हमारी टीम क्या होता है कि हम जब इमरजेंसी होता है तो हम जो नज़दीक जो हमारे पास चीज़ें हैं उसी से हम बचाव करते हैं, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी में सबसे मेन चीज़ होती है टाइमिंग, कितनी कम समय में उसकी ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। तो आज हम आपको कई चीज़ सिखाएंगे कि आप अपनी नॉलेज से किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं और खुद की भी नॉलेज ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ अभी हमारे पास, ये क्या है, व्हाट इज दिस, साड़ी है। अब कोई मान लो भूकंप हो गया, मैं छत के ऊपर है, हमारे बच्चे को नीचे उतारना है, तो बच्चे को उठा के फेंक देंगे, मगर ये साड़ी के यूज के थ्रू भी हम उसे बचा सकते हैं। ये साड़ी भी हम इसका यूज किस लिए कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मगर आपने फिल्मों में देखा होगा कोई कोई घर से भागता है तो क्या यूज करता है, करता है ना, अक्सर देखा, आप कभी मत करना। तो नॉर्मली कैसा है कि हम ये करेंगे तो क्या करेंगे, स्लिप हो जाएंगे और नीचे पैर गिरे और पैर हमारा डैमेज हो गया। मगर अपने पास अगर सही नॉलेज हो तो हम इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं इसका। अब देखो ये साड़ी है, अभी हमें क्या करना है, एक दो तीन चार पांच, अब ये अच्छा है कि वो अच्छा है, इसका क्या हमें पकड़ने का ग्रिप मिल गया। तो एक साड़ी क्या काम कर दिया, बचाव का एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर दिया। जब इमरजेंसी हो, जान आफत में हो, तब हमें ऐसी ऐसी नॉलेज यूज करनी पड़ती है। तो ये ट्राई कोई करेगा, हाँ हाँ वही वही एनीवन, गर्ल्स ये बहुत काम की चीज है। आइए मैम, आइए बहन की, अभी क्या आधे घंटे का सेशन है, इसमें हम सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी क्या बात की, आपके अचानक पानी आ गया, बाढ़ आ गई और हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली, हम क्या कोशिश करेंगे हमारे बच्चे की स्विमिंग करना। अब अचानक पानी आ गया, हमें स्विमिंग आता नहीं, अगर हमें भी आता तो हमारे बच्चे को स्विमिंग नहीं। तो हमारे पास हमारे नेशनल लेवल के स्विमर है विक्रम सर, प्लीज आपको पता है कि अगर ये जो ये कौन सा है आपके घर में, किरोसिन का ऑयल, सरसों का ऑयल का डब्बा तो पड़ा ही रहता है, ये बहुत बड़ा पानी में तैरने का एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, मगर कब, जब आप इसके कैप को बंद कर देंगे, इसके अंदर एयर रहता है। अब इससे हम क्या है, अपने बच्चों को लाइफ जैकेट बना सकते हैं। अब लाइफ जैकेट तो अपने घर में ही नहीं, तो किस तरह ले सकते हैं, और इसके बाद क्या है, वो पानी से, क्योंकि पानी में हम जब जाते हैं ना, हमारा वेट अगर 75 केजी है तो पानी में जाने के बाद हमारा 60% वेट क्या होता है, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आराम से आप क्या है, स्विमिंग कर सकते हो। अपने को क्या, सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हेड ऊपर चाहिए, तो ये आपके हेड को ऊपर रखने में क्या करेगा, कुछ सपोर्ट करेगा। अब मान लो कि ये भी है नहीं है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ये क्या है, अगर ये पानी की बोतल एक है तो वीक है, अगर ऐसे 5-10 बोतल को हम जोड़ लेंगे तो एक ये भी क्या काम करेगा, लाइफ चेक मतलब लाइफ सेविंग का काम करेगा। और इससे क्या है, हम अपने आप को पानी के ऊपर रख सकते हैं। तो
तो ये छोटी छोटी चीजें से क्या है, खुद की और दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। अब नॉर्मली किसी का भी कोई छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होता है तो ब्लड रुकने, मेन जो एक्सीडेंट में जाता है ब्लड जाने से एक्सीडेंट मौत होती है। अगर हम सही टाइम पर ब्लड रोक सकते, बहुत सारा हाथ में है तो हाथ ऊपर रखेंगे तो ब्लड रुकेगा, तो ये सब चीजें तो आपको आई थिंक आते ही होंगे। अब थर्ड स्टेप में हम चलेंगे, मगर जो दो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, जहर वाले दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं, जहर वाले। तो कोबरा जब बाइट करता है ना, मार्कर देना, तो हम लोग क्या करते हैं 80% बाइट मार्क से ही पहचान जाते हैं कि वो जहरी है क्या बिन जहरी है। तो हमने बताया कुछ ही सांप जहरीले है, वो भी 4 से 5। तो जब भी कोई वेनेमस स्नेक काटता है, जैसा आपने देखा होगा राक्षस के दो दांत बाहर होते हैं और बाकी दांत सिर्फ दो ही दांत होते हैं राक्षस के, तो दो दांत बड़े होते हैं। तो जैसे ही कोबरा बाइट करेगा तो उसके दो, अब बाइट भी कैसे करता है, एक तो होता है कि आपको काटा और छोड़ दिया, तो कभी कभी क्या होता है एक भी मार्क्स होंगे, कभी कभी एक भी दो होंगे। मगर जब गुस्सा हो गया और उसने आपको दबा के मारा, दबा के काटा, तब कैसे हो? ठीक है, चलो अभी ये खुला रह गया, हाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे। ओके चलो, ओके राइट, अभी इतना बस रख दो। उसके दो दांत के नहीं, उसके बाद जो उसके पंच टीथ है वो भी निशान पड़ जाते हैं, दो तो पड़ेंगे। अब जैसे ही दो वेनेमक गया अंदर, तो स्किन का क्या होता है, जब हमें कोई काटा चुभ जाता है तो स्किन क्या हो जाती है, थोड़े ब्लैक हो जाती है। तो जब वेनेमस, जब वेनम अंदर जाता है तो वहां पे रिएक्शन होता है, तो वहां पे रेड रेड हो जाता है। समझ में? आप पेशेंट का देखेंगे बाइट हुआ है, अगर उसके साइड में दो होल है तो समझ जाने का मोस्ट ऑफ वो क्या है, वेनमस स्नेक है। अब इससे भी खतरनाक, इससे भी खतरनाक सांप होता है जिससे हमें भी डर लगता है, वो आपने जब चावल बनाते हैं तो प्रेशर को क्या मारते हैं, सीटी। एक ऐसा सांप है जो इतनी जोर से सीटी मारता है कि इसका 300 मीटर दूर भी आपको ये सीटी सुनाई दे। और हम तो नहीं बोलेंगे इतना, एक मिनट, देखो इनका जो हाथ है वो उन्होंने अपने बूट के वो डायरेक्शन में ले लिया कि वो हेल्प लगेगा बाद में उसका सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ तो ले लिया सर जहाँ जल, नहीं सर बहुत ये है, क्यों हो सकता है अगर उसका इधर इंजरी हो गई तो पामा में भी जा सकता है, अगर ये भी हो सकता है कि अगर लगा है ब्लीडिंग होता है, हर एक चीज हो सकती है, चांसेस आ दे, तो बिल्कुल शांति से लेके धीरे धीरे वो किसे। पूरी उसकी बॉडी निकल जाएगी धीरे धीरे धीरे। Thank you.
चालू है धीरे से आराम से कसू नहीं खाऊ छोड़ कोनो धीरे नहीं धीरे ही छोड़ धीरे 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 तू कसू नहीं था कहीं नहीं था धीरे धीरे तब धीरे 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 आवाजो हाँ हाँ कराऊ धीरे धीरे पाछो वेरी गुड छोड़ो धीरे धीरे चलो बैठो मैडम आ जाओ अदर आप भी आ जाओ वो सुपर क्या करूंगा मैं जाता हूँ चलो कोई बात नहीं एम्बुलेंस आ गई आदमी चला है ओके चलो वायर जो वायर ओके संजय राय ओके हाय संजय राय ओके गुड चलो नाउ स्टार्ट उनका बहुत थोड़ा वो बताएंगे मैं इनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हम हमारा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन करेंगे वो आपको देख के फिर हम कंक्लूडिंग करेंगे ओके प्लीज थैंक यू तो डीजल नहीं आती ना है आप ये सिचुएशन लेके आज तक पहुंच गए आपको क्या करना है अभी ये निकालो एक ये सेफ्टी क्लिप निकालो निकाला अभी इसके लिए मैंने पैर बोला कि कहीं इधर उधर गिर ना जाओ और आगे लाओ पैर फिर और आगे लाओ कुछ नहीं होगा आपकी नज़र कहाँ है हाँ हो गए नहीं तो थोड़ा पीछे लो हाँ बस चलो रख दिया अब ये वाल है एंटी क्लॉक वाइज ऐसे बोलो ऐसे 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 धीरे धीरे से धीरे बोलो बोलो
चलो अभी आ जाओ, आगे आओ, थोड़ा देखो, अभी हमने देखा, बात बात, अब फिर से खोलो। बत्ती ले आओ फटाफट, दो 100 फीट। चलो जैसे हम बोलते हैं लॉकिंग सिस्टम, आप कितना भी ये करो खुलेगा नहीं, लगा बैठ जा। जैसे पहले इन लोगों ने किया था, हो गए, आप अच्छी तरह से इनको उठा के ला सकते हो। आप दोनों की ओर इधर से लेना, जाना है वो भी। आओ आओ, यू कम सर, और चौथे में आप आ। ये ग्रिपिंग अगर छूट जाती है तो दो तो है ना, दो हाथ से तो एकदम छूटेगा ही नहीं वो। हाँ, चारों हाथ से आ जाओ सर। चलो ठीक है, ये इन्होंने काम किया पता।